बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में खुश आमदीद कहते हैं। इस टाइम पे मैं B17 के ब्लॉक F में 5 मरले वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी पट्टियों में घूम रहा हूँ। और इधर वीडियो बनाने का थोड़ा सा मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया जाए कि यहाँ पे जो प्लॉट्स की पिछले दिनों में जो प्राइसेस चल रही थी उसमें अच्छा खासा एक जंप सामने ऑब्जर्व किया है। जो प्लॉट्स यहाँ गलियों में लोग 63-64 में बेचते थे, आज वो 68 से कम पे कोई देने को तैयार नहीं है और उनकी आस्किंग प्राइस या डिमांड की जो बात करें वो बढ़ चुकी है। और ऑनेस्टली जो 5 मरले की प्राइस है ये बहुत ही कम है। अगर मेरा अपना प्लॉट है तो मैं तो सच बताऊँ 80 से शुरू करूँगा कि कम से कम 80 लाख रुपए मेरी प्लॉट की जो प्राइस बनती है। टाइप ऑफ लैंड जो है 5 मरले प्लॉट्स की जहाँ पे है ब्लॉक के अंदर आती हैं, जैसे स्ट्रीट नंबर 76 है, 67 है आगे और 66 स्ट्रीट्स हो गई, डिफरेंट जो स्ट्रीट्स हैं। इधर टाइप ऑफ लैंड ज़बरदस्त है जी, इनमें कोई भी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त हो रही है, कोई बेसमेंट वाले प्लॉट आपको नज़र नहीं आएंगे। और पानी का लेवल भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी की तरफ से बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में घर बन चुके हुए हैं, विलास के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुए हैं। लोगों ने ना सिर्फ विलास कंप्लीट होने के बाद रहना शुरू कर दिया बल्कि इनकी जो ट्रेडिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है और उस पर भी लोगों ने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया है। ये सामने जो है मस्जिद है, अली मस्जिद, अक्सर मैं चक्कर लगाता रहता हूँ। इन गलियों में घूमने फिरने का मकसद ये है कि आपको बताऊँ कि ये आज भी जो है ना 67-68 लाख रुपये में 5 मरला के बीच का प्लॉट मिलता है, 75 तक में आपको कॉर्नर का कोई प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, तो यार इससे एक्सीलेंट डील तो कोई है ही नहीं है, आप ठीक हो गया। इन प्लॉट्स को आप लाजमी सीरियस लें यार, ये 5 मरले के प्लॉट्स जो है ना ये आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा महंगी जो चीज़ होने जा रही है वो यही चीज़ होने जा रही है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप आ रहे हैं, आपने 67-68 लाख रुपया लगा दिया, अच्छे प्लॉट ले लिया, उठा लिया, उसके बाद आपने इसको होल्ड करना है। साल के एंड पे अब 85-90 करोड़ तक भी इसको अगर हम आ जाए तो जंप लग जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बेजा नहीं होगी, बिल्कुल ठीक। खूबसूरत तरीन मस्जिद में से एक अल्लाह ताला का ये घर है और जामा मस्जिद अली है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है जनाब, आप देख लें हैफ ब्लॉक की। तो आस पास आबादी का रुझान ज़बरदस्त है जी, जामा मस्जिद है, मार्केट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग है, इंटरनेट मौजूद है यहाँ पर और सेफ एंड सिक्योर किस्म के एक एनवायरनमेंट है। तो 5 मरले की ये जो प्लॉट्स हैं आपके कंपैरिजन आप किस चीज़ से करने जा रहे हैं, अब आप देखें इनकी रोड्स का एक्सेस है। मैं अगर ये जो जी मेन डबल रोड से GT रोड की तरफ जाऊँ तो हार्डली 7 मिनट के अंदर मैं इस जगह से गेट तक पहुँच जाता हूँ। तो ये आप समझिए कोई टाइम नहीं है। और जो सस्ते तरीन प्लाट्स हैं, गेटेड कम्यूनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ कि आप बाकी जो है जस्ट इसके कंपेरिजन कर लें सराउंडिंग्स में और उनके प्लाट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो उसके मुकाबले बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंडली यहाँ पे लोगों की जो आबादी आ रही है और लोग यहाँ पे सारा दिन यही कॉल्स आते हैं यार हमें रेंट पे घर दिला दें, तो अगर यहाँ से आप घर भी कोई ख़रीद लेते हैं ना, ये जो घर बनने में आपको नज़र आ रहे हैं सारे तकरीबन 1.60 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ठीक हो गया। बिलास अलग हैं, मालकों के बनने में अलग हैं, तो आप समझ लें इसका जो रेंटल इनकम है वो भी 45,000 से 50,000 रुपये डबल स्टोरी का आपको ईजिली मिलता है और ये बढ़ता जाएगा बतदरीज। मेन डबल रोड पे मैं आ चुका हूँ, अगेन मैंने बताया कि ये F ब्लॉक की जो 5 मरला की जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप मिस ना करें, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओवरसीज़ को स्पेशली बताऊँगा कि आप इसकी तरफ मूव करें और 2-3 प्लॉट्स लेके रखें बजाय इसके कनाल का लें, आप 2-3 प्लॉट्स के साथ खेलें, एक कीमत बढ़ती है, इसको बेचें इसकी कीमत बढ़ने के बाद उसके दूसरे पे घर बना लें, वो भी ज़बरदस्त उसकी कंस्ट्रक्शन की। हम खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, आजकल ज़रा मैंने बंद किया हुआ काम, वो रेट्स की भी समझ नहीं आ रही हमें कि चीज़ें सुबह से शाम क्या हो जाती हैं। खूबसूरत पार्क है जी F ब्लॉक का, तो वन ऑफ द डिज़ायर्ड ये साइज़ है आजकल के हिसाब से, इकोनॉमिकल है, लोग 5 मरले का घर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बदतरी महंगी हुई जा रही है लेकिन आप इसको लाजमी कंसिडर करें जी, इसके प्राइसेस में जंप आना ही आना है बल्कि आ रहा है और ये खामोशी से आता रहेगा। यह आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि हर महीने 1-2 लाख रुपये 5 लाख तक का आई एम एक्सपेक्टिंग कि जंप आता रहेगा। D12 में यार 5 मरला 2 करोड़ और 30 लाख रुपये का सिर्फ प्लॉट है 5 मरला। D12 जो है वो गेटेड कम्युनिटी भी नहीं है, ओपन भी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं है, अगरचे व्यू है लेकिन जो 5 मरले की कटेंगे उसका व्यू उस तरह पहाड़ियों वाला नहीं है। सच्ची बात है, आपको आइडिया होगा आसपास गांव भी बैठा हुआ है लेकिन ना वहाँ पे मॉल्स हैं ना इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मरकज़ है, टिपिकल इस्लामाबाद स्टाइल है।
और यहाँ पे आप देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग जगह है, हर लिहाज से परफेक्ट है। आज मैं इसको अपने बच्चों के लिए इंतखाब करता हूँ रहने के लिए। तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, हर चीज़ मौजूद है और रेट इंतहाई मुनासिब है। तो ये मुफ्त बराबर प्लॉट्स हैं, यकीन जाने ये बहुत सस्ते हैं। आप अगर 2021 से मुकाबला करें तो ये 27.5 लाख पे खड़े हुए हैं, ये वही कीमत बनती है ओवरसीज़ के लिए, उससे भी शायद काम सस्ते हो गया। तो ये इसको आप लाजमी देखें और इसकी जो है ट्रेडिंग में आप हिस्सा लें। एज इन्वेस्टर भी आएँ तो साल बाद आपको अच्छा रिटर्न आएगा, और एंड यूज़र अगर हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, पिछले कितने दिनों से मैं एंड यूज़र्स को जो है प्लॉट दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बजट उनका जो है वो एक्सीड कर गई है प्राइस, तो उनके बजट में आ नहीं रही, इस ब्रैकेट में फॉल नहीं करता। जो प्लॉट्स उनको मैं दिखा रहा होता हूँ उनको पसंद नहीं आते। सो अल्टीमेटली मैं उनको फिर बताता हूँ, यार अब आप इस मार्केट से आउट हो चुके हैं। अल्टीमेटली आउट होना एक बड़ा पेनफुल चीज़ है, लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे होते हैं, तो आप लोग भी इन चीज़ों को सीरियस लें। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं जी मार्केट एवेन्यू का भी जम नहीं आया मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अचानक जो है ना उठने वाले हालात तो नहीं है, लेकिन ये है कि इस पर चीज़ें आपको अच्छी नहीं मिलेंगी। प्लॉट्स हैं उस पर एक इंक्रीमेंट आ रहा है प्राइसेस का, ग्रेजुअली चीज़ें ऊपर जाई जा रही हैं, तो उन तमाम चीज़ों को आपने बड़े गौर फिक्र के साथ इसकी तरफ आना चाहिए। तो इंशाल्लाह जी कोई भी प्लॉट परचेज करना हो तो आप मुझसे रब्ता करें, अगर अच्छी कीमत लगवानी है फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।